हाय। आज मैं सिर्फ घूमने के लिए निकला हूँ नागपुर में, जहाँ भी ये लेके जाएगा या फिर हम दोनों को जो भी नहीं मालूम ऐसे हम लोग रास्ते पे घूमने वाले वही करने वाले। हमारे खाएले पाहिजे काही तरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं अभी हूँ नागपुर में और नागपुर आते आते मेरी जो जर्नी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेक्टिक थी, मतलब दोनों मिक्स करके मैं बता रहा हूँ। मैं आया स्लीपर कोच में वेट लिस्टेड पे और वहाँ पे जो गर्दी थी ना भाई, लिटरली जनरल कोच में जितनी गर्दी रहती है उसी टाइप की गर्दी इधर थी। बट कैसे वैसे मैं पहुंच गया हूँ नागपुर। नागपुर आने से पहले मैं अकोला उतरा था। अकोला में थोड़ा हॉट लिया रिलेटिव्स के घर एंड उसके बाद कल ही नागपुर के लिए मैं निकल आया था। अकोला टू नागपुर जर्नी भी मैंने कंप्लीट दरवाजे में बैठ के की है, सो ये एक अलग और एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। बट आ गया, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ माहूरगढ़। माहूरगढ़ में रेणुका माता के दर्शन करने हैं। तो अभी आज का जो प्लान है मेरा वो ऐसा ही है कि नागपुर में कुछ एक्सप्लोर करते हैं छोटा मोटा, क्योंकि पिछले बार जब मैं नागपुर आया था तो मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की थी, कुछ जगह एक्सप्लोर की थी, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। एंड कल के दिन मैं निकलूंगा माहूरगढ़ जाने के लिए। सो कल का जो ब्लॉग रहेगा वो मोटो ब्लॉग रहेगा, क्योंकि मैं शंतनु की बाइक R15 लेके जाने वाला हूँ माहूर के लिए। ऑल दो उसकी बाइक 45 का एवरेज देती है, बट सब कुछ स्पीड पर डिपेंड करता है। मज़ा तो आने वाला है, ये भी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस रहने वाला है मेरे लिए। अभी तक का जो एक्सपीरियंस था मुंबई टू नागपुर का वो तो बहुत ही अलग था, आगे का देखते हैं अभी कैसा होता है। ये देखो, हेलमेट के लिए अलग बैग लगी, इसमें गोप्रो का सामान भी आ गया, शूज़ भी आ गए एंड छोटा मोटा एसेसरीज सब आ गया। ऑटो ब्लॉक करने के लिए ये सब करना पड़ा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि और एक बैग लानी पड़ी जिसमें सारे कपड़े हैं। तो ये शौक बड़े बड़े हैं मेरे। चलो आज की सवारी अपनी एक्टिवा पे है। जिन शहरों में मेट्रो है ना वहाँ का ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कल मैं जब नागपुर स्टेशन से ऑटो वालों को यहाँ तक आने का रेट जो पूछा मैंने तो 400 रुपये बताया मुझे। वहाँ से मैं मेट्रो स्टेशन 20 रुपये में आया और 30 रुपये में मैंने मेट्रो ली। कितना भी अगर इकोनॉमिकल ट्रिप हो या फिर बजट फ्रेंडली ट्रिप हो या फिर कन्वीनियंट ट्रिप हो, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ ऐसे टाइम पे मिस करता हूँ, वो मतलब पैंथर मेरी बाइक। वो एक अटैचमेंट बन चुका है, इसमें बिल्कुल बोर नहीं होता कितना भी चलाओ। हाँ, एकदम मतलब कंटिन्यू सेम रूट अगर जा रहा हूँ मैं तो बात अलग है, तो दूसरा रूट लेता हूँ उसके जगह में। और मैं ये ट्रिप भी बाइक से ही करने वाला था, लेकिन यू नो इकोनॉमिकल बजट फ्रेंडली, इसके लिए फिर मैंने ट्रेन का रिजर्वेशन जो था वो किया और आ गया यहाँ पर। और ये है अंबाझरी एरिया, माई लव माई नागपुर। और यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम गए थे स्वामी विवेकानंद स्मारक देखने के लिए, काफ़ी अच्छा बना है अंदर। सो अगर आप आ रहे हो नागपुर तो ये भी लिस्ट में ऐड कर लेना, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है पिछले वाले ट्रिप के वीडियो में। हाय, बस मज़े में। वो 0 माइल्स के पहले एक चौक है, वहाँ पे गार्डन था पिछले बार, वो रह गया था देखना। रास्ता मालूम है ना? हाँ, लगा लेंगे मैप लगा। चलो फिर। ओके, ये है 0 माइल्स ऑफ इंडिया। आज लाइट बंद है यहाँ पे। चलो, पिछले बार जब हम लोग आए थे तो ये वाला पार्क देखना रह गया था, हम लोग उसी के लिए आए थे, फ्रीडम पार्क इसका नाम है, लेकिन शायद आज भी ये बंद है। पिछली बार लाइटिंग तो भी थी एटलीस्ट। ओ भाई, 0 माइल फ्रीडम पार्क। तो क्या फुटाला जाने का? चलो फुटाला। कहाँ पे वो अभी रास्ता वो डाल दे, पीछे है क्या? चलो यूटर्न। ओके, सो हम
लोग अभी पहुंच चुके हैं फुटाला तालाब। यहाँ पे अभी सब कुछ बंद है बेसिकली। यहाँ पे बीच में सेंटर में अभी दिखेगा नहीं लेकिन सेंटर में यहाँ पे फाउंटेन रहता है, लेकिन वो ओकेजनली रहता है, ओकेजनली। सो बाय द वे इज राम, ये मेरे साथ में, मैं इसके साथ में था एक्चुअली काम करने के लिए एक जगह पे, और अभी ये नागपुर में आ गया। सिंगर, एक्टिंग, एडिटिंग, क्या क्या कर लेते हो भाई? गिटार भी है शायद, कर लेता थोड़ा बहुत। ये सब का नॉलेज रहने वाला ऑलराउंडर उस फील्ड में, ऐसा बंदा है ये। लास्ट टाइम अप्रैल में आया था, तभी अच्छे से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अभी मिल गया। और सेकंड चीज़, मतलब आज मैं सिर्फ घूमने के लिए निकला हूँ नागपुर में, जहाँ भी ये लेके जाएगा या फिर हम दोनों को जो भी नहीं मालूम, ऐसे हम लोग रास्ते पे घूमने वाले वही करने वाले। तो अभी यहाँ से हम लोग कहाँ पे जाएंगे ये भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, पता नहीं जहाँ पे रास्ता जाएगा वहाँ पे हम लोग जाएंगे। मावशी थे आम्हाले खायले पाहिजे काहीतरी चटपटा चटपटा। तुम्ही व्हिडिओ घेऊन राहिले भाजी? नाही, हे तर मी आपला व्लॉग बनवतो युट्यूबवर, तुमचा चेहरा नाही दिसत त्याच्यात। काय बरं नाही दिसत? बरं दिसू देऊ काय? घ्या ना मग, काही फरक नाही, भेट देऊन द्या मग। किती वर्षापासून आहे इथे? झाले 26-27 वर्ष झाले। अच्छा, मग आधीपासून हेच करता नाही? त्या बात चालूच नाही। अजून आहे का दुसरीकडे कुठे दुकान? असं आहे, येतात नाही तिकडे, आहे ना सामान आलो खट्टा मीठा। कैसा है टेस्ट? कैसा लगा? मस्त है, तीखा है बहुत ज़्यादा। बाकी तो थोड़ा मीठा दिखा, चटनी रहे तो मज़ा आता। हाँ, चटनी नहीं था एक्चुअली, तीखा था, बट ठीक है, खा सकते हैं, थोड़ा पेट भर सकते हैं, ऐसा है। अभी कॉफ़ी, अभी कॉफ़ी, कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है। चलो चलो, अच्छा ऊपर है क्या वो? 20 minutes later GoPro sucks, उसी कारण से मैंने एक्स्ट्रा बैटरी कैरी की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर टाइम लगता है ज़्यादा तो बैटरी ख़त्म होने के चांसेस है, लेकिन 40% पे कैमरा मेरा बंद पड़ रहा है। बोला ना आपको, ट्रैवलिंग करने में बहुत एक्सपीरियंस आता है ऐसी चीज़ों का, कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं। अभी मैं बहुत से चीज़ों से वाकिफ हो गया हूँ, मतलब मुझे मालूम पड़ गया है कि अभी क्या क्या प्रॉब्लम अपने साथ हो सकते हैं। इसके लिए मैं वैसे प्रिपरेशन के साथ ही निकलता हूँ। एक तारक मेहता का एपिसोड है जिसमें तारक मेहता बोलते हैं कि नसीब अपना अपना के बदले लोग जेठालाल अपना अपना बोलेंगे। इसके लिए मैं अभी वो बोलता हूँ कि जेठालाल अपना अपना, मुझे मालूम है मेरा जेठालाल कैसा है। ओके, सो ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ। मोटो व्लॉग जो है माहूर गढ़ वाला, वो तो आपको देखने मिलेगा, मिलता हूँ आपको वो वीडियो में। Till then, be positive and keep going. भाई कितना अपर आ रहा है।